Then E section also come. Okay, from F section, the girls who are sitting at the front, tell me इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया आपने? एनी एग्जाम्पल, एनी थिंग यू नो, अपने वर्ड्स में बताओ कुछ भी, जितनी आपको समझ आएगी. एफ सेक्शन, यस बेटा, फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स जिनके पास माइक पड़ा हुआ है, विल यू टेल मी इस चैप्टर में क्या पढ़ाया आपने टिल नाउ, जितना भी किया है. ओके, सी सेक्शन, एनीबडी, जिसके पास माइक है बैठे बैठे बोल दो, आप बता दो कुछ याद आ रहा है आपको, क्या क्या पढ़ेगा चैप्टर में. ओके, बी सेक्शन, मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? आर यू एबल टू हियर मी? रेज़ योर हैंड, जिसको सुन पा रहे हो जो मेरे को, प्लीज रेज़ योर हैंड. ओके ओके, ठीक है, कीप रेडी योर नोटबुक. ओके, ही हैज जॉइन्ड, देन आई थिंक जी सेक्शन कंबाइंड है बेटा. ओके, नाउ एवरीबडी लुक्स इट, लिसन टू मी केयरफुली. चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन वर्ड आपने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है? कोई बताएगा मेरे को प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, ये व्हाट इज प्रोपोर्शन? पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है, प्रोपोर्शन का मीनिंग बता. कंपेयरिंग Comparing two or more terms. टू और मोर टर्म्स, दैट इज ओके, कंपेयरिंग इज ओके, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? ओके, एवरीबडी लुक स्ट्रेट नाउ, सबने ज्वाइन कर लिया हुआ है, एवरीबडी लिसन टू मी. कंपेयर Compare two items. टू आइटम्स, ओके. व्हेन वी कंपेयर इट, तब तो लगता है ना कि हो सकता है वो इक्वल हो सकता है वो ना हो. कंपेरिजन का मतलब यही होता है ना कि हो सकता है थोड़ा बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है इक्वल हो. कंपैरिजन में आप ये देखते हो कितना बड़ा है कितना छोटा है, राइट? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वालिटी. इक्वालिटी किसकी इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब टू रेशियोज की इक्वालिटी, ठीक है? राइट डाउन प्रोपोर्शन की, पहले हम मीनिंग लिखेंगे उसके बाद फिर हम और शुरू करेंगे. इट स्टेट्स दैट, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले. इट सेज दैट टू रेशियोज बोर्ड सबको दिख रहा है, एवरीबडी कैन सी. इट सेज दैट टू रेशियोज ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल टू इच अदर. आपने सिक्स में प्रोपोर्शन के रेशो के बारे में पढ़ा था, सेवन्थ में आपने रेशो के बारे में यूज किया था किसी किसी चैप्टर में, राइट? कंपेयरिंग क्वांटिटीज में यूज किया था आपने. तो अभी एट्थ में आपका ये प्रोपोर्शन का जो वर्ड है वो आपका न्यू चैप्टर में ये वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम टू रेशियो को बोलते हैं कि वो इक्वल है, इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है? दैट इज, इसका मतलब क्या है?
ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। क्वेश्चन का पहले तो आपको मीनिंग समझ होना चाहिए कि क्या होता है ये और हम कैसे इसको यूज करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ के बीच में फोर डॉट्स आते हैं, सी रेशो डी। ध्यान से देखो, इसको प्रोपोर्शन की जगह पे, इक्वालिटी के साइन पे जगह पे हमने फोर डॉट्स लगाए हैं। फोर डॉट्स का मतलब है दे आर इक्वल। आपको पता है कि रेशियो को जब आप अपॉन लिखते हो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हो, उसको आप रेशियो फॉर्म में लिखते हो, ए रेशियो बी, टू डॉट्स लगाते हो। जब इक्वल का साइन आता है बीच में, उसमें हम फोर डॉट्स लगाते हैं, विच रिप्रेजेंट कि ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर प्रोपोर्शन टू इच अदर, दे आर इक्वल टू। एग्जाम्पल लिखो इसका, आपने फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है, रैशनल नंबर में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है। आपको पता है कि कौन से टू फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होते हैं? ठीक है, एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखो, मैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखाऊंगी। 1/2, 1/2 किसके इक्वल होगा? जैसे 2/4 के इक्वल है, आपको पता है ये 1/2 इज इक्वल टू 2/4। सिक्स में क्वेश्चन किए थे आपने फ्रैक्शंस के, रैशनल नंबर में किया था आपने, सेवेंथ में। रेशो हैंड, डू यू नो 1/2 इज इक्वल टू 2/4? रेशो हैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि दे आर इक्वल? डाउट क्यों हो रहे बाकियों को? व्हाई, हाउ वी फाउंड दिस? कई बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, हाउ वी फाउंड दिस? यू नो जब हम वन और टू को सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है, ये पता है आपको? ओके, हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, ये बेसिक चीजें अभी समझ लो, अब आप ये आगे क्लासेस में सब में यूज होगी ये छोटी छोटी चीजें। आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर आप सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है हमेशा। मैंने तो बहुत सिंपल सा नंबर लिया है ये, आप 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो भी उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो भी उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? दिस इज अ बेसिक स्टेटमेंट जो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपको चैप्टर तो बिल्कुल ही मुश्किल लगेगा क्योंकि ये चीज आपकी बार बार यूज होनी है। ओके बेटा, सो दिस इज इक्वल टू एंड सो ऑन। मैं और भी लिख सकती हूँ इसके, हम और भी लिख सकते हैं, थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन सिक्स भी हो सकता है, थ्री टू सिक्स। क्या क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है, 1/2 एंड 3/6? ऊपर हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया 1 × 3 हो गया, नीचे हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया 2 × 3 = 6 हो गया। क्या 1/2 एंड 3/6 प्रोपोर्शन में है? यस यस दे आर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1/2 एंड 2/4 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वर्ड आपको यूज करना आना चाहिए, कब बोलना है कब नहीं बोलना। 1/2 एंड 2/4 इन प्रोपोर्शन एंड 1/2 एंड 3/6 आर इन प्रोपोर्शन। ओके, यहाँ पे कॉमन लगाओ क्योंकि हमने इसको 1/2 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने 3 से किया तो ऊपर आया 1 × 3, नीचे आया 2 × 3, दैट इज 6। तो हमारे पास प्रोपोर्शन भी कौन कौन से हुए, 1/2 और 2/4 आर इन प्रोपोर्शन, और इधर हमारे पास 1/2 एंड 3/6 आर इन प्रोपोर्शन। क्या हम इन दोनों को भी प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, 2/4 एंड 3/6 को? सोच के बताओ जरा, क्या टू बाय फोर और 3/6 भी प्रोपोर्शन में होंगे? यस मैम, यस
सोच के बताओ क्या वो इक्विवेलेंट है आपस में 2 बाय 4 एंड 3 बाय 6। मैम यस मैम यस यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो होंगे ना। आपने चेक किया हुआ है ना प्रोपोर्शन में, आपने जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते थे आपको ये देखना है कि क्या वो इक्वल है कि नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हो तो बोलते हो कि गैस ये भी कर ले और ये भी कर ले तो दोनों इक्वल है, करते हो ना ऐसे। अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब आपस में प्रोपोर्शन है, इज इट फाइन। ठीक है, अभी प्रोपोर्शन की तो आपके हो गया, यू हैव कम टू नो कि प्रोपोर्शन का मतलब है कि रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और आपको अंडरस्टैंड करनी है बेटा यहाँ पे, कि आपको जब भी प्रोपोर्शन की बात करते हो उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको दिखता है हमेशा। ओके, तो आपको एक चीज का इसमें ध्यान देना है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए उनका आपस में। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो मैंने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, कुछ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नीचे वाले को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को 2 से कर दिया, ऊपर वाले को 5 से कर दिया, नीचे वाले को 10 से कर दिया। नो, दे विल नॉट बी इन प्रपोर्शन। समझ रहे, प्रपोर्शन में वो तब होंगे जब उनका आपस में रिलेशन है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके वो चल रहे हैं आपस में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दे आर लुकिंग आफ्टर ईच अदर। ओके, रिलेशन है उनका आपस में। प्रोपोर्शन की चीज समझ आ गई आपको? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। चैप्टर तो बहुत इजी है, क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब आपको ये समझ आ गया, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में रिलेशन के साथ चलेंगे, उनका आपस में कुछ रिलेशन है कि हाँ कैसे इंक्रीज होना है, कैसे डिक्रीज। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर डिपेंडेंट होके ये जो हमारी स्टोरी थी प्रोपोर्शन की, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे 2 पार्ट्स आगे बन रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब प्रोपोर्शन जो वर्ड है वो इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है कि 2 रेशियोज आपस में कैसे रिलेट होंगे, क्या रिलेशन होगा उनका आपस में, उसके हिसाब से वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखो इसका, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो, प्लीज नोट इट डाउन, दिस ऑल नोट इट डाउन सो दैट यू कम टू नो कि क्या होता है प्रोपोर्शन का वर्ड कहाँ पे यूज होता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, I'm going to clean it and note कर लो इसको, because आगे हमें डायरेक्ट और इनवर्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी करने हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, किसी को कुछ डाउट है प्लीज स्टैंड एंड अप, शर्माना नहीं है एनीबॉडी, डोंट बॉदर अबाउट योर फ्रेंड्स की वो क्या कहेगा और वो क्या कहेगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन इट, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। राइट ऑन द हेडिंग, सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एंड बेटा ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, इसको आप उसमें भी यूज करते हो, साइंस में भी यूज होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज करते हो आप साइंस में भी, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पहले तो एक सिंपलेस्ट चीज मैं इसके बारे में बताऊंगी, फिर आपको मैं पूरी वो बुक वाली डेफिनेशन बाद में बताऊंगी, क्योंकि बुक वाली जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेट लग सकती है। पहले मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट में होता क्या है।
प्रपोर्शन इज, राइट डाउन, द प्रपोर्शन इज direct between two values, ठीक है, वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, a by b हो गया, c by d हो गया, वैल्यूज ही है वो, ठीक है. प्रपोर्शन इज डायरेक्ट बिटवीन टू वैल्यूज व्हेन वन इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर, व्हेन वन इज अ मल्टीपल ऑफ अदर. ये जो चीज मैंने लिखवाई है ये चीज आपकी क्वेश्चन में यूज होगी. यस बेटा, मैम द इमेज इज ब्लर. पार्डन बेटा, क्या मैम द इमेज इज ब्लर. इमेज इज ब्लर? ओके, जस्ट अ मिनट. मैम इट इज विजिबल नाउ. मैम इट इज विजिबल नाउ. आपकी बोल रही हूँ, द प्रपोर्शन, मैं साथ में बोल भी रही हूँ, द प्रपोर्शन इज डायराइव्ड बिटवीन टू वैल्यूज व्हेन वन इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, वन इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है. इसका मतलब क्या है? दैट इज A1 is equal to B1 into K and A2 is equal to B2 into K. Or आप जो क्वेश्चन में यूज करते हो वो यूज करते हो A1 by B1 is equal to K and A2 by B2 is equal to K. You should know K is constant. K is constant. Constant का मतलब क्या है? वो कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रहता है. ओके, तो हमारी डायरेक्ट की कंडीशन तभी फॉलो होगी जब एक वैल्यू जो है वो दूसरे की मल्टीपल है या दोनों की रेशियो जो है आपस में, एक रेशियो और दूसरी रेशियो आपस में इक्वल आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है. के यहां भी किया आ रहा है आंसर, यहाँ भी किया है. इसको लोएस्ट टर्म में करोगे तो आंसर के आएगा, इसको लोएस्ट टर्म में करोगे तो भी के आएगा. ओके, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. ये आपकी एक चीज है अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट की, एक चीज जो आपको अंडरस्टैंड हो रही है इसके बारे में मुझे ये पता होना चाहिए कि दो रेशियो जो है आपस में डायरेक्ट कब होंगे, जब उनकी रेशियो आपस में कॉन्स्टेंट होगी. ये चीज आपको समझ आ गई जो आप क्वेश्चन में यूज करते हो, ठीक है. अब आपकी जो बुकिश लैंग्वेज है, बुक के हिसाब से जो आपकी वर्डिंग आती है, जो आपके एसर्शन रीजन में भी काम आएगी, उसको भी लिख लो. टू वैल्यूज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर. इकट्ठा काम करना है उन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाला इंक्रीज होता जा रहा है और नीचे वाले जो है डिक्रीज होता जा रहा है. दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, ऊपर और नीचे वाले नंबर्स आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाला भी इंक्रीज होगा, ऊपर वाला डिक्रीज साइड पे जा रहा है तो नीचे वाला भी डिक्रीज होगा, राइट. अब आपकी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट है बट मीनिंग दोनों का सेम है,
बुक में आपकी ये लाइन लिखी हुई है कि वो हमेशा इकट्ठे इंक्रीज करेंगे, या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए डायरेक्ट के लिए, थ्योरी की हम दो वैल्यूज की बात करते हैं। इनमें हमेशा सारे क्वेश्चन में आपकी दो वैल्यूज की बात हो रही है। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, प्लीज एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल। यस वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल आफ्टर दिस। पहले डायरेक्ट वाला हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे। आपके पास मॉड्यूल तो नहीं है, बट यू कैन राइट द क्वेश्चन। राइट डाउन एग्जाम्पल। नंबर ऑफ, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, नंबर ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेन। नंबर ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ पेन वन है, अगर आपने एक पेन खरीदा शॉप से, तो इसकी कॉस्ट है ₹25। टू पेन खरीदोगे तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ₹25 इंटू टू, दैट इज ₹50। ₹50 टू पेन खरीदे तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली थ्री पेन लोगे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ₹25 इंटू टू, ₹75। ओके, अब आपको ये इतने से एग्जांपल से ही पता चल रहा है कि अगर हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, और कॉस्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉस्ट है दो लोगे तो आपको ₹100 देने पड़ेंगे, नो, दे आर वेरी मच रिलेटेड। यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करोगे, इधर थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो वन को, तो इधर भी थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। आपने वन से स्टार्ट किया, दिस इज वन इंटू टू, दिस इज वन इंटू थ्री। सिमिलरली हियर, यहाँ पे आपके पास 25 था, तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, 25 इंटू टू, इस केस में आप कर रहे हो 25 इंटू थ्री। आर यू मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, यस यस, दे आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, यू अंडरस्टैंड, कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के जैसे कहते हैं ना, दे आर मूविंग यूनिफॉर्मली टुगेदर, राइट। ये नहीं कि एक आगे चला गया ज्यादा बढ़ गया और दूसरा वाला पीछे रह गया। ओके, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और भी बहुत एग्जांपल है ऐसे, राइट, यू हैव अंडरस्टूड कि दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, ठीक है, या तो इकट्ठे इंक्रीज करेंगे या फिर इकट्ठे डिक्रीज करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर आपको ये मान लो एग्जाम में, सॉरी, क्वेश्चन फॉर्म में आता है सॉल्व करना, तो आपको रेशियोज निकालनी होंगी, इसकी रेशियो क्या होगी, इसकी रेशियो क्या होगी फर्स्ट वाले की। ये आपका फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। अगर मैं एक ही रेशियो निकालू, एक ही रेशियो क्या होगी, 1:25, जिसको मैं लिखूंगी 1:25। बी की रेशियो क्या होगी, 2:25, सॉरी 50, 2:50 आपको दिख रहा है। सी की रेशियो क्या होगी, 3:75। दिख रहे हैं कि सबका जो है वो सारे आपस में इक्वल है,
फर्स्ट वाला इज इक्वल टू 1/25 था, इसको मैं लो इसमें करूंगी ये भी 1/25 आएगा, इसको लो इसमें करूंगी ये भी 1/25 आएगा। क्या सबके सब इक्वल कांस्टेंट के शो कर रहे हैं? क्या ये सारे के इक्वल हैं? एक कांस्टेंट के इक्वल है ये? इफ यस रेज योर हैंड जिनको पता चल रहा है कि यस सबकी रेशियो सेम आ रही है, जिनको दिख रहा है कि 1/25 है यहाँ भी 1/25 है, इसको लोएस्ट टर्म में काटेंगे तो यहाँ भी 1/25 है, इसको काटेंगे तो सबको दिख रहा है, रेशो हैंड एवरीबॉडी कम से नो कि सबका आंसर 1/25 ही आएगा, इसका भी इसका भी। ओके हैंड्स डाउन, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। ओके एक और एग्जांपल लिखो इसका डायरेक्ट, तो कोई एग्जाम्पल मेरे को ओरली अपनी रियल लाइफ से बता सकते हो कि डायरेक्ट में और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? किसी के माइंड में आ रहा है कुछ कि दो चीजें साइमल्टेनियसली इकट्ठी इकट्ठी इंक्रीज होंगी या फिर दोनों डिक्रीज होंगी? कोई भी रियल लाइफ से कोई एग्जाम्पल दो। राइट द सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक वन नोटबुक फॉर दैट कॉस्ट ₹10, सो इफ वी टेक टू नोटबुक्स इट विल कॉस्ट ₹20। वेरी गुड, यस, नंबर ऑफ थिंग्स आपने खरीदी और उसकी कॉस्ट, वो आपको पता चल गया कि वो डायरेक्ट में होगी। ठीक है, अभी हमने सेम ही एग्जांपल लिया था, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ रियल लाइफ से जो आपको ऐसे, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, उसके बाद आपको और माइंड खुलेगा आपको कि यस कितने आपके माइंड में एग्जाम्पल्स आएंगे कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड when distance increases, time also increases। होता है ना ऐसा, जितनी दूर आपने जाना होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। प्रोवाइड इसके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि आपकी स्पीड एक ही स्पीड से आप चल रहे हो, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा साइंस में, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हम स्पीड नहीं चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा। जिन बच्चों का घर से स्कूल जो है दूर है उनको ज्यादा टाइम लगता है आने में, वो घर से जल्दी चलते होंगे टू रीच इन टाइम, जिनका घर पास है थोड़ा सा कम टाइम लगता है वहां तो, डेली यूज में आप यूज करते हो इसको, ट्रैवलिंग पे जाते हो आप, कहीं पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हो, यू कम टू नो इतनी दूर जाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, मे बी 7 आवर्स मे बी 5 आवर्स, आसपास जाना है तो हो सकता है 1 घंटा लगे। ठीक है, मेक अ टेबल लाइक दिस, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में है तो आपको टेबल रीड करना आना चाहिए कि ये कैसे चलता है आपस में, क्या रिलेशन चलता है डिस्टेंस एंड टाइम। सपोज कर लो आपका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है 2 किलोमीटर है तो आपको सपोज कर लो 1 आवर लग रहा है जाने में, वॉकिंग जा रहे हो या जैसे भी जा रहे हो व्हाटएवर। ठीक है, तो अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है 4 किलोमीटर हो रहा है,
तो आपको वहां पे भी टू से मल्टीप्लाई होगा, टू आवर्स लगेंगे। ओके, तो आपके वो क्वेश्चन ही ऐसे बने होंगे जिन्हें वो नंबर्स ही ऐसे होंगे, या तो नहीं होगा कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 10 आवर्स लिख दूँ, अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख दूँ। वो क्वेश्चन ही आपका ऐसे बना होगा, किसी में आपको डायरेक्ट दिखेगा रिलेशन, किसी में इनडायरेक्ट दिखेगा। और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ देखने से नहीं मिलेगा, देखने से नहीं बताना कि हाँ ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो डायरेक्ट होगा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो डायरेक्ट होगा। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको उनकी रेशियो देखनी पड़ेगी, क्या उनकी रेशियो सेम आ रही है। अभी इस केस में हमारा ए पार्ट है ये और बी पार्ट है ये, तो ए की आपकी रेशियो क्या आ रही है, यहाँ पे लिखो आप इसी कॉलम में लिखो रेशियो, राइट डाउन रेशियो ऑफ देम, 2:1 2:1, यू कैन राइट 2/1 और 2:1। जैसे बच्चों को आपको देखने में इजी लगता है वैसे करो, कई बच्चों को रेशियो को देखने में ना कंफर्ट नहीं लगता कि पता नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है, राइट इट इन फॉर्म ऑफ 2/1 और 2:1, वट एवर जो आपको इजी लगता है वैसे करो। सेम ईयर 4/2 और 4:2 4:2 आर दे इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है रेशियो? मैम यस यस दे आर इक्वल, इसका मतलब कि 2/1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू के, आपने चेक कर लिया। के का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है बेटे, ये चीज आपकी कैलकुलेशन विल टेल यू कि वो डायरेक्ट है कि नहीं। सोचने में तो बहुत सारी चीजें हैं बट कैलकुलेशन करने में कई बार वो डायरेक्ट में नहीं आते, उनका उनका कांस्टेंट नहीं होता, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एज की बात करो, एज ऑफ मदर एंड एज ऑफ डॉटर, क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे? थोड़ा सोच के बताओ। एज ऑफ मदर अगर एक एक साल में बढ़ रही है तो डॉटर की एज भी एक एक साल में बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है ना दोनों, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं उसको। व्हाट अबाउट हाइट ऑफ मदर एंड हाइट ऑफ डॉटर, क्या वो इकट्ठी इंक्रीज होती रहेगी, जितनी मदर की हुई है उतनी ही डॉटर की भी होगी? नो किसी की हाइट कितने पॉइंट सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती नो है, छोटी छोटी अपनी अपनी अकॉर्डिंगली हाइट बढ़ती है, दे विल नॉट बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो थोड़ी सी हमने कॉमन सेंस भी यूज कर रही है और साथ साथ में कैलकुलेशन पे भी देखना है, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप कैलकुलेशन करके बताओगे, आपने प्रूफ बताओगे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, इनकी रेशियो इक्वल नहीं आ रही, इसलिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं। ओके चलो, और अभी इन्वर्ट कर लिए आगे, उसके भी एग्जाम्पल करते हैं। फिर आपके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, आगे जो क्वेश्चंस करोगे ना किसी में डायरेक्ट आएगा किसी में इनवर्स आएगा, एंड आपको फिर टेस्टिंग भी पता चल जाएगी कि कैसे डायरेक्ट सोचना है और कैसे आपने इनवर्स करा सोचना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब तक मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ तब तक आप सेकंड वाले पॉइंट को अच्छे से रीड कर लो, खुद रीड करो, अंडरस्टैंड करो, कोई डाउट है अभी पूछ लो खड़े होके। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मुझे सुन रहे हो सब कुछ समझ आ रहा है आपको, जैसे ही आप नोटबुक में कुछ पढ़ोगे थोड़े से फिर से डाउट लगेंगे कि अरे ये क्या था वो क्या था। ठीक है, टेक द अपॉर्चुनिटी कि जो जो आपको टाइम साथ साथ मिल रहा है, मैं स्लो करवा रही हूँ आपको, अपने डाउट क्लियर करते जाओ। ओके, राइट डाउन इनवर्स प्रोपोर्शन, थर्ड वन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपकी जो है वो उल्टा होता है इनका, दो वैल्यूज का, द वैल्यूज ऑफ एक्स इंक्रीजेस, इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस
मैं अगर मैं बताऊं, फिर उसके बाद मैं बुक वाली लैंग्वेज आपको बताऊंगी. द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस व्हाइल द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीज. दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, एक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसकी जो कंडीशन होती है ए और बी की, उसमें क्या होता है, दैट इज देयर प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट. उसमें रेशियो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, इसमें प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए. ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू के. क्वेश्चन की फॉर्म में अगर उसको देखो तो आप ऐसे करते हो, ए वन, यहाँ पे मैं और की फॉर्म में लिखती हूँ, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू इज इक्वल टू ए थ्री बी थ्री. जितने भी आपको टेबल में वैल्यूज दी हुई हैं सबको जब आप प्रोडक्ट करोगे उनका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है. इसके साथ एक और बुक वाली लैंग्वेज, ये आपका ए पार्ट था. ये पार्ट जो मैंने लिखवाया है वो चीज आप क्वेश्चन में यूज करोगे चेक करने के लिए कि आपका वो इनवर्स है या नहीं. ठीक है, अदरवाइज जो प्रॉपर आपकी लैंग्वेज होती है डेफिनेशन की वो भी लिख लो, जो आपके सेशन में काम आएगी. टू वैल्यूज ए एंड बी, हमेशा हम दो चीजों की बात करते हैं, आर सेट टू बी इन वर्सली प्रोपोर्शनल सेट टू बी इन प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ इंक्रीजेस विद प्रोपोर्शनल डिक्रीज ऑफ बी. इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि ए जो है वो बहुत ज्यादा आगे चला गया और बी जो है वो हम बिल्कुल पीछे रह गए क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है. प्रोपोर्शन में होंगे वो भी डिक्रीज, अगर ए आपका 2+ हुआ है तो बी आपका 2- होगा, प्रोपोर्शन में चल रहा है वो भी काम आपका. ओके, तो वो चीज आपने ध्यान देनी है. प्रोपोर्शन वर्ड आपका बार बार यूज हो रहा है तो उसको आपने समझ आ चुकी है कि उनका बहुत आपस में एक रिलेशन है जिसके साथ साथ वो दोनों इंक्रीज होंगे या फिर एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल बताते हैं, इसका इनवर्स का एग्जांपल. राइट डाउन किसी के माइंड में आ रहे हैं कोई एग्जांपल रियल लाइफ से. सोच के देखो 2 मिनट के लिए. राइट डाउन एग्जाम्पल, मोर वर्कर
वर्क, कोई भी आपको काम असाइन किया हुआ है, ज्यादा लोग काम करेंगे तो लेस टाइम गोल टेक कर। एक काम को अगर दो लोग करेंगे तो थोड़ा जो भी टाइम लगेगा, तो इस सेम काम को अगर चार लोग करेंगे तो टाइम आपको कम लगेगा। ठीक है, टेबल बनाओ, नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम। ठीक है, आपको दिखेगा टेबल में कि एक चीज बढ़ रही है और साथ साथ दूसरी चीज वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब आपके टू वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स टू है, तो हो सकता है आपको टाइम जो है वो लग रहा है 5 घंटे लग रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। तो दो वर्कर्स अगर लगे हुए हैं धीरे 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 उस काम को 5 घंटे में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स मान लो हमने कर दिए यहाँ पे 4, ज्यादा वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना लगेगा हमें टाइम, 5 माइनस 1 भी। जैसे यहाँ पे हमने 2, इसको क्या किया, इसका रिलेशन क्या किया हमने, 2 से हमने कितना प्लस किया, तो इंक्रीज किया, तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे, तो हमारे यहाँ पे लगेंगे 3 घंटे, 2 घंटे कम लगेंगे वहां पे, 2 घंटे हमें, दो वर्कर्स हमने ज्यादा लिए तो उसमें टाइम हमें 2 घंटे कम लगे। ठीक है, ये जनरल एग्जांपल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम ज्यादा वर्कर्स लेंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो हमें कम लगे। ठीक है, सिमिलरली और एग्जांपल आपकी क्या हो सकते हैं, कोई रियल लाइफ से बताएगा। जब अभी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा। देखो, किसी जैसे हमने हाइट ऑफ मदर और हाइट ऑफ डॉटर की बात की थी, तो आपको लग रहा कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट वो आपस में डायरेक्ट नहीं है ना। तो ऐसे आपके और भी बहुत एग्जांपल है, आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी सब में। बट हेयर वैल्यूज आर नॉट इक्वल इन द एग्जाम्पल विच यू हैव गिवन। हाँ, इट्स ओके, मैंने जैसे आपको स्टोरी फॉर्म में बताया है, हमारे ये अपना एग्जाम्पल है, राइट, अपना ये एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि वो एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग, वी आर नॉट फाइंडिंग द प्रोडक्ट इन दिस वे। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम प्रोडक्ट फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे कि वेदर इट विल बी मल्टीप्लीकेशन विल बी कॉस से करना। ठीक है, वी जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, बस ये चीज आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल अभी हम और करने वाले हैं, यू विल कम टू नो। राइट डाउन प्रॉपर क्वेश्चन, दिस आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ मॉड्यूल में तो आप करोगे ये। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन, राइट। मैं आपको टेबल ही बना देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आप करो इसको। नंबर ऑफ आवर्स, राइट डाउन द टेबल, नंबर ऑफ आवर्स, मैंने इसलिए उस फॉर्म में जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा इनवर्स पर, उसमें मैंने प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट किया, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। अभी जब हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे सब में, हमने प्रोडक्ट से हमने चेक करना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ओके, नंबर ऑफ आवर्स है और नीचे हमारा पार्किंग चार्ज है, पार्किंग चार्ज है। हम इसको टेबल फॉर्म में बनाएंगे। नंबर ऑफ आवर्स मोर, मान लो आपके पास 4 है और पार्किंग चार्जेस है हमारे ₹60, उसके बाद पार्किंग चार्जेस आपके हैं ₹100। अगर हम 8 कार पार्क करते हैं तो हमारी 100 पार्किंग है, ₹100। ठीक है, 12 है तो 140, 12 है तो ₹140, एंड वन मोर 24 है तो 1।
ये आपका टेबल दिया हुआ है कि और स्टेटमेंट भी इसके साथ थी, मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवाई नहीं है, अभी शॉर्ट फॉर्म में जस्ट अंडरस्टैंड करो कि हमारा जो है वो क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग और नॉट। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्वेश्चन लिख दो पूरा, टू नंबर ऑफ आर। ठीक है, चेक करना है आपने कि वो डायरेक्ट है कि नहीं। तो डायरेक्ट के लिए आपको अपना फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, उनकी रेशियो देखते हो कि वो कांस्टेंट है कि नहीं है, तो हमने इनकी रेशियो देखी। ठीक है, आप ये इमेजिन करो कि ये आपके पास ए पार्ट है रिलेशन, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। तो हमें ए बी सी डी चारों की हमें रेशियो को फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या वो इक्वल आ रहे हैं। रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट में होंगे। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, सबकी रेशियो निकालो। दे आर आस्किंग पार्किंग चार्जेस प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ आर। प्लीज रिमेंबर, इसको आपने ध्यान देना है, पार्किंग चार्जेस टू नंबर ऑफ आर, टू को स्क्वायर लगाओ, टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू से पहले क्या है और टू के बाद क्या है, उसको प्लीज फोकस करो। जो पहले वाला नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे, दैट इज 60/4 हम चेक करेंगे, 4/60 नहीं करेंगे, वी विल नॉट राइट 4/60, वाई, बिकॉज हमें लिखा हुआ है चार्जेस टू नंबर ऑफ आर, तो चार्जेस पहले आएंगे, नंबर ऑफ आर डिनोमिनेटर में आएगा। मैम नो, दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, व्हाट इज कमिंग देन, इज दिस कमिंग 115/1, चेक फॉर 100/8, सबकी रेशियो चेक करो। ट्25/2, यहीं से आपको पता चल रहा है, फर्स्ट टू से ही आपको ए और बी से ही पता चल रहा है कि दे आर नॉट इन डायरेक्ट, रेशियो उनकी सेम नहीं आ रही है। ठीक है, बट स्टिल हमने सबका निकाल रही है, 140/12 एंड 180/24, आपको यहीं से पता चल रहा है कि दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, व्हाट इज कमिंग इज 140/12 इज कमिंग आउट टू बी 35/3, देन 180/24, व्हेन यू डू इट विल कम आउट 15/2। कैन यू सी ऑल आर डिफरेंट, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रही है रेशियो, इट इज नॉट इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट नहीं है वो, इसलिए दे आर नॉट इन, दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन क्वेश्चन में आपने दो चीजों का बेटा ध्यान देना है, एक चीज कि सिर्फ स्टोरी के ऊपर नहीं जाना, स्टोरी से आपको ये पता चलता है कि नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं और उनके पार्किंग चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, दिख रहा है आपको बहुत ही क्लियर कि ये चीज इंक्रीज हो रही है, एरो मेरा ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। ओके, ओरली अगर आप कहते हो, आप बोलोगे कि अरे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो चलो डायरेक्ट में होंगे, बट वी आर नॉट श्योर, जब तक हमारी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होगी हम उसको डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कि वो डायरेक्ट है कि नहीं। ओके, उसके लिए हमें अपना फॉर्मूला लगाना है, हमने इनकी रेशियो चेक करनी है कि कौन क्या उनकी रेशियो सेम है। रेशियो लिखते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है, कौन सी चीज न्यूमिरेटर में लिखनी है, कौन सी चीज डिनोमिनेटर में लिखनी है। प्लीज रिमेम्बर, टू से पहले वाला न्यूमिरेटर, टू के बाद वाला डिनोमिनेटर। अरे क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि दिस टू दिस प्रोपोर्शन ऑफ दिस टू दिस। ओके, प्लीज टेक केयर।
चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट इन चीजों का आपने ध्यान देना है एंड यू विल बी सॉल्विंग इट। ठीक है बेटा, चलो सी यू टुमारो। आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा, फिर वी स्टार्ट विद योर क्वेश्चन, राइट? प्लीज रिवाइज दिस ऑल। ओके बेटा, सी यू टुमारो। थैंक यू मैम। बिल्कुल बेटा।